ओलंपिक की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ओलंपिक खेलों के दौरान शहरों और राज्यों के बीच लड़ाई तक स्थगित कर दी जाती थी। मैं अंकुर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओलंपिक के इतिहास के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। प्राचीन काल में ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में इस तरह के खेल 1896 में आयोजित किए गए थे। चूंकि ये खेल ओलंपिया पर्वत पर खेला गया था, इसके कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। इस आयोजन में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ओलंपिक खेलों के दौरान शहरों और राज्यों के बीच लड़ाई तक स्थगित कर दी जाती थी। उस दौरान लड़ाई और घुड़सवारी काफ़ी लोकप्रिय खेल थे। खेल के विजेता को कविता और मूर्तियों के जरिए प्रशंसित किया जाता था। वैसे प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 BC में मानी जाती है, जबकि इसका आखिरी आयोजन 394 ईस्वी में हुआ। इसके बाद रोम के सम्राट थियोडोसिस ने इसे मूर्ति पूजा वाला उत्सव करार देकर इन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। नतीजन 150 सालों तक इन खेलों को भुला दिया गया। इन खेलों का फिर से आयोजन 19वीं शताब्दी में सर्वमान्य सभ्यता के साथ हुआ। इसका श्रेय फ्रांस के अभिजात वर्ग के पियरे डी कुबर्टेन को जाता है। इस खेलों के आयोजन के पीछे कुबर्टेन के दो लक्ष्य थे। पहला, खेलों को अपने देश में लोकप्रिय बनाना। दूसरा, सभी देशों को एक शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए एकत्रित करना। उनका मानना था कि खेल युद्धों को टालने के सबसे अच्छे माध्यम हो सकते हैं। कुबर्टेन की इस परिकल्पना के आधार वर्ष 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ। शुरुआती दशक में इसके आयोजन का अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि किसी भी बड़ी शक्ति का साथ नहीं मिल सका था। 1896 के बाद वर्ष 1900 और 1904 में ओलंपिक के संस्करण लोकप्रिय नहीं हो सके, क्योंकि इस दौरान भव्य आयोजनों की कमी रही। इसके बाद लंदन में अपने चौथे संस्करण के साथ ओलंपिक आंदोलन संपन्न हुआ। इसमें 2000 एथलीटों ने शिरकत किया। यह संख्या पिछले 3 आयोजनों के योग से अधिक थी। साल 1930 के बर्लिन संस्करण में तो मानो नई जान आ गई। 1950 में अमेरिका सोवियत संघ के आने से ओलंपिक की ख्याति चरम पर पहुंच गई। इसके बाद तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने को देश की प्रतिष्ठा से देखा जाने लगा। वैसे देखा जाए तो 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग ओलंपिक को अब तक का सबसे अच्छा आयोजन माना गया है। 15 दिन तक चले ओलंपिक खेलों के दौरान चीन ने न सिर्फ अपनी शानदार मेजबानी से लोगों का दिल जीता, बल्कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रचा। भारत ने भी ओलंपिक इतिहास में पहली बार 1928 में स्वर्ण पदक जीता और उससे पहली बार एक साथ 3 पदक भी मिले। 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में 26 प्रतिस्पर्धाओं में 204 देशों के लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ओलंपिक खेल लगभग 15 से 30 दिन चलता है और ओलंपिक खेल 4 साल में एक बार खेला जाता है। ओलंपिक के 5 रिंग दुनिया के 5 मुख्य महाद्वीप को दर्शाते हैं। पीला एशिया को, लाल अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, नीला यूरोप को और काला अफ्रीका को। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ओलंपिक के इतिहास के बारे में पता चल सके। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।